ये वो भारत की कहानी है जिसमें दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग जिनके जरूरतें पूरे हो चुकी है और वो अपने शौक पूरे करने के लिए एक रैट रेस में लगे हुए हैं, और दूसरे वो लोग जिनके शौक तो दूर तीन वक्त के खाने की जरूरतें भी पूरी नहीं होती। ये वो भारत की कहानी है जिसमें रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। बेरोजगारी का दर 2023 में 7% था, खासकर युवाओं के बीच। और बता तेरा इरादा क्या है? भंगार की दुकान है। भंगार की दुकान है। कितने लोग हैं आपके घर में? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं, लड़कियां कितने हैं? 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। क्या करते हैं 3 लड़के? लड़के कूड़ा कचरा उठाते हैं, एक दूसरा काम पे जाता है, एक कूड़ा कचरा उठाता है, एक स्कूल पढ़ता है। यही रहते हैं आप? यहीं पर पास में। उच्च शिक्षा के बावजूद लाखों लोग नौकरी के अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या के दो प्रमुख कारण हैं। एक, शिक्षा का अभाव, क्योंकि केवल 2% युवाओं के पास ही विशेष कौशल प्रशिक्षण है। और नंबर 2, उम्र का अंतर, जिसमें रोजगार की मांग और युवाओं की क्षमताओं में असंगति साफ साफ दिखती है। इन सब का समाधान इस YES4 फॉर्मूला में निहित है। नंबर 1, स्टार्टअप्स युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रहे हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे सरकारी योजनाएं 60,000 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। नंबर 2, छोटे व्यवसाय, मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। नंबर 3, कौशल आधारित व्यवसाय, मतलब स्किल बेस्ड बिजनेस, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार मिल रहा है। और नंबर 4, सामाजिक सेवा, मतलब सोशल सर्विस, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर है। स्वच्छ भारत मिशन ने कई रोजगार सृजित किए हैं। इस सब का निष्कर्ष यही है कि रोजगार की समस्या को हल करने के लिए स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसाय, कौशल आधारित रोजगार और सामाजिक सेवाओं का संगठित प्रयास आवश्यक है। आत्मनिर्भरता और नवाचार के माध्यम से हम एक सशक्त भारत की दिशा में बढ़ सकते हैं। रोजगार के इस मुद्दे का समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव है। चलिए हम सब मिलकर इसे हल करें और एक समृद्ध भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।